बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज लेक्चर नंबर 10 है ऑनलाइन का, लेक्चर नंबर 10। तो कल आपको याद होगा बच्चों, मैंने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और आपको वाजे बताया था चैप्टर नंबर 12 में दो टाइप की ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल और दूसरी ऑब्लिक ट्रायंगल। किसे कहते हैं राइट ट्रायंगल? ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के लिहाज से इसमें एक्सरसाइज 12.2 है और 12.3 है, और ऑब्लिक ट्रायंगल 12.4 से लेकर 12.8 तक वो है ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में। तो बेटा आपको एक चीज बातें बता दूं, राइट ट्रायंगल में या ऑब्लिक ट्रायंगल में हम मालूम करेंगे थ्री साइड्स ए बी सी और थ्री एंगल अल्फा बीटा गैमा। एक बात बेटा बता दूं आपको, हम राइट ट्रायंगल हो या ऑब्लिक ट्रायंगल हो, हम सिक्स एलिमेंट्स मालूम करते हैं। अब सिक्स एलिमेंट्स क्या है, रिपीट कर रहा हूं, थ्री साइड, ए साइड, बी साइड, सी साइड और एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा। राइट ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल जो होगा वो गैमा होगा जो 90 डिग्री होगा, लिहाजा हमें मालूम करने होंगे बाकी एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स। अब बेटा देखिएगा एक्सरसाइज, मैंने ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दो पार्ट हल किए हैं ताकि आपको रूटीन मिले। आऊं तो कल आपको डिस्कस किया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था राइट ट्रायंगल को हल करने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, हम साइन अल्फा यूज करते हैं, ए ओवर सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, कॉस अल्फा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेन अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर बेस और पैथागोरस। बेटा पैथागोरस क्या है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। जब हम राइट ट्रायंगल सॉल्व करेंगे पैथागोरस यूज कर सकते हैं, साइन अल्फा ए ओवर सी यूज कर सकते हैं, कॉस अल्फा बी ओवर सी यूज कर सकते हैं, टेन अल्फा ए ओवर बी अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, सी क्या दिया हुआ है 12 अल्फा 60 डिग्री, एक और एंगल होगा राइट ट्रायंगल में जिसका नाम क्या है गैमा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, आप सबको पता है अगर गैमा एक एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90। वजह गैमा किसके बराबर है, गैमा किसके बराबर है जी 90 डिग्री, तो लिहाजा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बाकी 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम थ्री एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो लिहाजा दो एंगल का सम क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। आपने इसमें मालूम क्या करना है, ए साइड क्योंकि सी साइड दी हुई है, बी साइड मालूम करनी और एंगल बीटा मालूम करना है। तो लिहाजा तमाम बच्चे सुन लें, अगर राइट ट्रायंगल होगी उसमें क्या होगा, दो एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री होगा, अगर थ्री एंगल का सम हो तो 180 होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल के सम की बात करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, या हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फा, अल्फा पुट किया बीटा 90 में से 60 तो बीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। मैंने आपको बताया था बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे सिक्स एलिमेंट्स, थ्री साइड्स और थ्री
एंगल डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं जी, मैं यहां पे साइड सी दी हुई है, पैथागोरस का भी यूज करेंगे। पैथागोरस उसका यूज करेंगे जब दो साइड की बात होगी, तो लिहाजा हम मालूम करते हैं ए साइड मालूम कर लेते हैं। साइन अल्फा क्या होता है जी, आपको बताया था साइन अल्फा ए ओवर सी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। क्या लिखा हुआ बेटा, सी क्या दिया हुआ है 12, 12 से जाकर 20 पर हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर जाकर 12 साइन 60 से 20 पर, तो 12 साइन 60 की वैल्यू 0.866 12 से 20 पर करें तो एक वैल्यू आएगी 10.39। ये ए साइड आ गई, ए साइड आ गई, सी साइड भी हुई है, एंगल मुकम्मल हो गए। बाकी रहेगी कौन सा टाइम बेटा, बाकी रहेगी हमारे पास साइड बी रहेगी। तो आपको बताया था कि अगर दो साइड मौजूद हो, थर्ड साइड मालूम करनी हो, राइट ट्रायंगल हो, हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो बेटा बताइएगा पैथागोरस थ्योरम ये कब यूज करते हैं, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल सी के बराबर है ए के प्लस बी के। यहां क्या मालूम करना चाहते हैं, साइड बी मालूम करना चाहते हैं। जब दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड मालूम कर लियो, हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। सिर्फ 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 108 माइनस कर ले, बी आएगा 6 आएगा। अब आपने देखा होगा हमारे पास, मैंने बताया था राइट ट्रायंगल हो या ऑब्लिक ट्रायंगल हो, हम इसमें मालूम करेंगे 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। देखिएगा थ्री साइड कौन कौन सी फाइंड करनी है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अल्फा बीटा गैमा, तमाम बच्चे सुन ले, ये जो तीन एंगल दिए हुए तीनों को आप प्लस कर ले तो 180 के बराबर आए। अगर थ्री एंगल जो फाइंड कर लिए हैं उनको प्लस करें, अगर 180 के बराबर आ जाए समझो क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है। अब बेटा देखिएगा ये आपके स्मार्ट सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है जी, अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट, 37 डिग्री 20 मिनट, ये एक लाइन मिनट की है, 37 डिग्री 20 मिनट हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 में। अब बेटा देखिए ए साइड 243, अब हम यूज करते हैं, आप सबको पता है एक एंगल तो दिया हुआ है बेटा, गैमा क्या दिया हुआ है इसमें, गैमा मेरे पास लिखा हुआ है, गैमा की वैल्यू किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, गैमा दिया हुआ है, अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट है, हम मालूम कर लेते हैं बीटा मालूम कर लेते हैं। तो आपको पीछे बताया था दो एंगल का सम किसके बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा, क्योंकि गैमा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा कितना आया जी 52 डिग्री 40 मिनट। ये दोबारा देख ले आप, उसके बाद आप मालूम करते हैं सी साइन अल्फा ए ओवर सी। अगर आई चीज बेटा बता दूं आपको, आप अगर साइन अल्फा यूज करें, कॉस अल्फा यूज करें, टैन अल्फा यूज करें, हमेशा अल्फा यूज करते हैं क्योंकि 90 के सामने एंगल भी बनता है राइट ट्रायंगल में अल्फा बनता है। तो साइन अल्फा ए ओवर सी, अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू सी मालूम करना है, सी अगर डिवाइड हो रहा है उधर जाके सी क्या होगा मल्टीपल, ये वैल्यू लाकर डिवाइड हो जाएगी। साइन 37 डिग्री 20 मिनट किसके बराबर है 0.6064, आप डिवाइड कर ले ये सी की वैल्यू आ गई। अब हाँ मालूम करने जाते हैं साइड बी मालूम करना चाहते हैं, तो वो बताया था पैथागोरस का बेटा यूज करेंगे, एक यूज करेंगे ओनली फॉर राइट ट्रायंगल, दूसरी बार कब यूज करेंगे जब दो साइड गिवन होंगी और एक साइड मालूम करनी होगी, जब ट्रायंगल की दो साइड मौजूद हो, थर्ड साइड मालूम करनी हो तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सी के बराबर है ए के प्लस बी के, माइनस एक्स इक्वल टू बी के, या सी की वैल्यू ए की वैल्यू आपने बी मालूम करना है, इसको माइनस करें, इसका स्क्वायर रूट ले तो 318.5
5.9, ये बी साइड की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ए आ गया, बी आ गया, साइड सी आ गई, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गैमा आ गया। तो आपको बेटा बताया था जब भी आप बार बार एक बात मैं रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, राइट ट्राइंगल हो इसमें हम थ्री साइड फाइंड करते हैं और थ्री एंगल्स फाइंड करते हैं, थ्री साइड और थ्री एंगल्स। अब आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो इसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर फोर पे, ए दिया गया हो ए साइड 3.28, बी साइड 5.74, गैमा 90 डिग्री, कितनी साइड दी हुई, दो साइड, तो हम पैथागोरस से मालूम कर लेते हैं, थर्ड साइड मालूम कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप ए की वैल्यू पुट करें बी की वैल्यू सिंपलीफाई करें तो सी कितना आएगा 6.61। तो लिहाजा हमारे पास दो साइड गिवन थी, पैथागोरस की मदद से थर्ड साइड मालूम कर ली। अब आ जाते हैं एंगल्स, तो मेरे पास यहां पे गैमा तो दिया हुआ है 90 डिग्री, अल्फा नहीं दिया हुआ, बीटा नहीं दिया हुआ, पहले हम एंगल निकालना चाहते हैं। अब सोचने की बात ये है मैंने टेन अल्फा क्यों यूज किया है, साइन अल्फा भी तो कर सकते हैं, कॉस अल्फा भी कर सकते हैं, उसकी वजह ये है टेन अल्फा इसलिए यूज किया है थोड़ा सवाल को आसान करने के लिए, हमारे पास ए भी मौजूद है और बी साइड भी मौजूद है, तो ए और बी क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, आपने पुटिंग की सिंपलीफाई किया इनवर्स में, तो एक चीज बेटा बता दूं आप जब इनवर्स लेंगे जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा, ये खुद चेंज करना पड़ेगा आपको, उल्टे कॉमास कैलकुलेटर बटन दबाएंगे पहला हिस्सा डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड आएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं आप कैलकुलेटर में जो इनवर्स लेंगे जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा, एंगल अल्फा बीटा हो या गैमा हो पॉइंट में नहीं होता, एंगल पॉइंट में नहीं होता, डिग्री मिनट सेकंड। तो कैसे करेंगे बेटा, आप जब रिजल्ट पॉइंट में आएगा तो उल्टे कॉमास को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो जो रिजल्ट आएगा पहला हिस्सा डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड आएगा, ये हो गया हमारे पास एंगल, हमारे पास अल्फा आ गया। अब आपको बताया था दो एंगल का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री, यहां अल्फा की वैल्यू पुट कर लें इसमें से 90 डिग्री से माइनस करें तो ये बीटा आ जाएगा, हमारे पास तीन साइड और तीन एंगल मुकम्मल हो गए। और आप ये भी बता दूं कि रिपीट कर दूं, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तीनों एंगल्स को सम करोगे तो आंसर आएगा इक्वल टू 180 आएगा, अगर अब 180 आ रहा है तो समझिए क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा मैंने कंप्लीट किया है ताकि आप खुद इसकी मजीद भी खुद प्रैक्टिस कर सके, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर 12 आसान है मुश्किल नहीं है, इसको टाइम दो इसकी प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको आएगा। अब अभी देखिएगा हमारे पास बी साइड दी हुई है, सी साइड दी हुई है, गैमा दिया हुआ, बेटा जरा बताइएगा क्या क्या बलून कर रहे हैं, ए साइड गिवन नहीं है, अल्फा गिवन नहीं है, बीटा गिवन नहीं है, तो सबसे पहले पैथागोरस की मदद से हम मालूम कर लेते हैं ए साइड, तो सी के बराबर है ए के प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, सी की वैल्यू स्क्वायर बी की वैल्यू स्क्वायर, सिंपलीफाई करने ए की वैल्यू आएगी 67.64 आएगी, साइड हो गई मुकम्मल। अब हम पहले मैं फाइंड कर लेता हूं अल्फा, अब अल्फा में देखिएगा मैंने पिछले क्वेश्चन में टेन अल्फा को यूज किया था अल्फा निकालने के, यहां मैं यूज कर रहा हूं कॉस अल्फा, तो बेटा तवज्जो से मेरी बात सुन ले कौन से, देखिएगा यहां वी और सी दिया हुआ है तो कॉस अल्फा क्या होता है, शाबाश कॉस अल्फा बी ओवर सी होता है, कॉस अल्फा बेस ओवर हाइपोटेनस, इसलिए मैंने यूज किया है इसको, रिवर्स लेंगे तो यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा अल्फा का, फिर सिमिलरली आप दो एंगल्स को प्लस कर लो बीटा फाइंड कर लेंगे, इस तरह आपको पार्ट सब निकाल लेंगे, तो सेम इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कुछ पार्ट्स के ड्रॉप कर दिए ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सके, जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन 4 अच्छी तरह आता है
वो फाइव इसको मजीद कंप्लीट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, बात क्लियर ना हो, आप कॉलेज आ सकते हैं, मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज़।